सुंबुल के पिता आज फ्राइडे के बार में आए थे। वार तो उन्होंने किया टीना पर, शालीन पर, और कहीं ना कहीं अपनी बेटी को एक वेकअप कॉल दिया विच वॉज मच नीडेड फॉर सुंबुल। एंड कहीं ना कहीं होपफुली शी विल कम आउट स्ट्रॉन्गर। शी हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड बस अब विशेष सर्कल में फिर एक बार ना अटके इज़ वॉट वी कैन ऑल होप। मीनवाइल सुंबुल के पिता ने कुछ ऐसे भी शख्स है जिनकी तारीफ की है, जिन्हें अप्रिशिएट किया है फॉर स्टैंडिंग अप टू सुंबुल, और उनमें नाम आता है सबसे आगे सबसे टॉप पे अबाउट माफ कीजिए ऑन अंकित। अंकित की काफ़ी तारीफ की है और उसी के साथ साथ गौतम की एंड शिव को भी अप्रिशिएट किया हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। बता दें आपको कि यहाँ पे हम क्लियर कट देख पा रहे हैं कि सुंबुल के पिता को अपनी बेटी की काफ़ी ज़्यादा चिंता है, लेकिन थोड़ी बहुत चिंता उनकी दूर हुई जब उन्होंने टीवी स्क्रीन्स पर देखा कि गौतम कहीं ना कहीं मदद करते हुए नज़र आए, शिव कहीं ना कहीं मदद करते हुए नज़र आए, अंकित कहीं ना कहीं मदद करते हुए नज़र आए। एक एक बड़े भाई की तरह, एक दोस्त की तरह, एक सपोर्टर की तरह सुंबुल का साथ दिया है, जिसके बारे में बात करते हुए सुंबुल के पिता नज़र आए। और सुंबुल के पिता ने कहा कि जहाँ पे एक तरफ शालीन टीना नो तुम्हारे बारे में अलग अलग चीज़ें कह रहे हैं, इधर उधर बातें फैल रही है, भले ही शायद कोई कारण होगा जिसकी वजह से वो तुम्हें गौतम और अंकित खुल के बता नहीं पाए, लेकिन वो तुम्हें इनडायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं तुम्हारा माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और वो तुम्हें सपोर्ट कर रहे थे, तो वो चीज़ उन्हें अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि अंकित गौतम आपने सुंबुल को संभाला है, उसकी हेल्प की है, और उसे कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा दूर रखने की कोशिश की, उससे किया, एक कहीं ना कहीं बॉन्ड आप बना रहे थे, वो अच्छा दिख रहा है। अंकित की फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आई। गौतम भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नजर आया कि हाँ बाबा, मतलब सुंबुल इज सेफ एंड ही हैज ऑलवेज हैड दिस यू कैन से केयरिंग थिंग टूवर्ड्स सुंबुल, और वो अच्छे से दिखता है। बाद में सुंबुल अपने आप को हल्का करते हुए, हग करते हुए गौतम को नज़र आई, और गौतम ने कहा कि देख कुछ चीज़ें थी मैं डायरेक्ट बोल नहीं पाया, लेकिन अब तू समझ रही है ना मैं तुझे कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। सो सुंबुल को कहीं ना कहीं अच्छा लगा दैट भले ही ऑन फेस ना बोला हो, लेकिन गौतम ऑलवेज हैड हर बैक राइट फ्रॉम गिविंग हर ड्यूटी इन द किचन, ताकि वो शालीन से दूर रहे, अंकित खाना बनाते बनाते उनसे उनके साथ इंटरेक्ट करे, ये चीज़ें थी। शिव को कहा कि शिव तुम असली मराठा हो, तुम सही बंदे हो, आपने एक बड़े भाई के तरह सुंबुल के साथ आप खड़े रहे हो। यस, आपने कुछ चीज़ें बोल दी थी टास्क के दौरान सुंबुल को, लेकिन आपने जाके सॉरी बोला और एक बड़े भाई की तरफ दिखाई दी, तो आप एक असली मराठा हो, आप एक अच्छे इंसान हो। शिव की तारीफ की है, शिव को भी काफ़ी अच्छा लगा, थैंक यू सर उन्होंने कहा। सो इन तीनों लड़कों की जम के तारीफ की है सुंबुल के पिता ने, और कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि ठीक है मेरी बेटी घर के अंदर है, बिग बॉस के अंदर है, उनके तीन भाई ऐसे हैं जो सुंबुल के साथ खड़े हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन इट, लेट मी नो इन द कमेंट्स।